चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल घंटी को दबाओ और लाइक करो। राफी रईस ने बाल को संभाला, बिरियागंज की खिलाड़ी और डिफेंडर, लेकिन कदमों पर संतुलन बराबर नहीं, बैरल किसी तरह से बाल क्रॉस किया, बाल अभी भी हवा में। अब्दुल रहमान ने बाल को संभाला, फहीम टू राफी रईस, लवली शॉट, बड़ा ही प्यारा डिफेंस था इस नन्हे खिलाड़ी का, लेकिन बदकिस्मती से बाल छलकती हुई कोर्ट से बाहर। लवाल स्मैशिंग सर्विस, खूबसूरत पास, डिफेंडर राफी रईस के हाथों से बाल छलकती हुई कोर्ट से बाहर। जी शुक्रिया भाई मुशर्रफ साहब बिलरियागंज। शेख परवेज मेमोरियल आल यूपी वॉलीबॉल टूर्नामेंट का ये पहला मुकाबला आपके सामने चलता हुआ, और ये देखिए ज्यादती कर बैठे मिस्टर मोहम्मद सादिक, कहा जाता है ओवरलाइव एक्सेस ऑफ योर एथिंग इज बैड, किसी भी चीज की ज्यादती बुरी होती है। और वीआईपी स्टैंड जो मेहमानों के लिए बनाया गया कमेंट्री बॉक्स के पीछे, जो नौजवान बैठे हुए उनसे गुजारिश है कि यह स्थान खाली कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। खासतौर से बिंदवर और जयराजपुर के लोग वीआईपी स्टैंड खाली कर दें, जो नौजवान हैं। मैं इसको रेफर करते हुए डॉक्टर शारिफ साहब जयराजपुर, फैजुर रहमान साहब मुबारकपुर, पहला सेट गंवाने के बाद दूसरे सेट में दो पॉइंट की बात के साथ बिलरियागंज अच्छी वापसी करते हुए, डिफेंडेड बाई राफी रईस और मोहम्मद अतहर, लवली शॉट, बिल्कुल अपने जैसा गेम शो करता हुआ ये खिलाड़ी, लेकिन पूरा स्टेडियम खामोश रहा, वही प्यारा शॉट रहा, तालियां बुला दिया, इतना खूबसूरत शॉट। जी शुक्रिया, अच्छा हैंड दिया जैद अहमद ने, सर्विसेज कराने में कामयाब। तो 0 पॉइंट से फासला सिमटता हुआ और इस वक्त बाल पर उछाला मिस्टर अब्दुल रहमान खूबसूरती के साथ, लेकिन उससे पहले रेफरी की नजरों से बचना इम्पॉसिबल। 3-0 पहला सेट कुटिला अपने नाम करने के बाद, और हल्का सा निकलना चाह रहे थे बाल पर, लेकिन यहां पर मिस्टर अतहर को दबोच दिया गया। स्कोर लेबल 4-0 सख्त कब्जे में, सर्विस अपने करते हुए सख्त बिलरियागंज, काफी खूबसूरत टूर्नामेंट सख्त आज के इस हरे भरे सुनहरे गार्डन शेख परवेज मेमोरियल ऑल यूपी वॉलीबॉल टूर्नामेंट जयराजपुर आजमगढ़। दूसरी रात का पहला मैच और पहला सेट अपने नाम करने के बाद दूसरे सेट में संकट में दिखाई दे रही सख्त कुटिला भाई साद वर्से बैरीडी वर्सेज ककरेटा टीम कैप्टन, मैच समाप्त होने के तुरंत बाद आपका मैच खेला जाएगा, इस बात का ध्यान दें। टीम कैप्टन ककरेटा और टीम कैप्टन बैरीडी इस बात का ध्यान दें, क्योंकि समय के साथ साथ खेल का परिवर्तन बहुत जरूरी है। बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट सख्त देखने को मिल रहा है जयराजपुर के इस आंगन में। दो शॉट और अच्छी शॉट, खाली जगह, जहरीला ड्रॉप, और इससे पहले की रेफरी डॉक्टर शारिक साहब जयराजपुर की नजर से बचना बहुत ही मुश्किल, लगभग 1700 या 1800 नाइट मैचों का एक्सपीरियंस है, वाकई में खूबसूरत टूर्नामेंट चलता हुआ। अच्छी सर्विस, हल्का सा सर्विस, बाल पर आजमाया है 17 नंबर, बाल अभी भी फिजा में तैरती है, बाल किधर डाउन होगी, बाल इस सप्ताह ही है खेलने में, वापसी करनी होगी मिस्टर सादिक। यह है मुबारकपुर का वो लंबा कट का नजर, जहां के खेल के बारे में कहा गया है कि मुबारकपुर की लस्सी और मुबारकपुर का हलवा पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, और आज मैं कह सकता हूं जयराजपुर के इस आंगन में आज की ये टूर्नामेंट की हस्ती, आज के इस खूबसूरत टूर्नामेंट की जो हस्ती है हमारे स्टेज पर, मैं उनका
शुक्रिया, स्वागत, वेलकम, खैर मकदम, अभिनंदन वंदन करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मुशर्रफ भाई भी देखे जा रहे हैं हमारे स्टेज पर, मैं इनका भी शुक्रिया लग रहा हूँ। अच्छी सर्विस, बाल पर सवाल, बाल पर उछाला है छोटे कट को, मास्टर आता है क्या, बाल गई फेम के लिए उछाला है मास्टर अब्दुल रहमान, खूबसूरत शॉट, बॉल इज राइट, नो चांस, जल्द लाइन में बाल को देते रहे और इससे पहले बाल सीधे शाइट लाइन से बाहर, पॉइंट का इजाफा 3-4। इस मैच के बाद जो मैच खेला जाएगा कतरेटा, ओहो, छोटी बाल पे लंबा हाथ, यू कह लिया जाए कि चलती चलती कार से किया एक्सीडेंट, बिल्कुल तो मैच फंसा है। काश पहला सेट तो अपने नाम की है कुटिला, लेकिन दूसरे सेट में कहीं न कहीं बिलरिया गंजे पॉइंट से हावी दिखाई दे रही है जयराजपुर के इस ग्राउंड पर। उससे पहले ये छोटे कद का, कम उम्र का, इस वक्त बिल्कुल अपने इस लय में आता हुआ, काश अगर इस बच्चे की परवरिश समय और आने वाले डेट में अपने नाम का सिक्का पूरे पूर्वांचल भर के टूर्नामेंट में चलाएगा, उससे पहले की मिस्टर साबिक के दस्तानों को चूमती हुई बाल साइट लाइन से बाल चेंज का इजाफा 4-3 सर्विस चेंज। वाकई में मैं कह सकता हूं कि आज के जो टूर्नामेंट की हस्ती है, आज के टूर्नामेंट की हस्ती, गोवा की मस्ती, कश्मीर की खूबसूरती, पंजाब की तंदुरुस्ती, अगर दुनिया वॉलीबॉल में अगर देखी जाए तो जितना जनपद आजमगढ़ में वो कहीं नहीं देखी जाती। और मैं देख रहा हूं कि अपने दौर का वो बेहतरीन बॉलर जिसको दुनिया वॉलीबॉल का प्रिंस जनपद आजमगढ़ मिस्टर मोहम्मद खालिद हेंगाईपुर कहा गया, इस वक्त हमारे बीच आ चुके हैं, मैं उनका मोस्ट वेलकम कर रहा हूं। सर, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप हमारे कैप कमेटी टेबल पर अपनी जगह ले ले। ऐशर अब्दुल रहमान बाल पर इशारा है, बाल पर आजमाया, लेकिन उससे पहले की नजर कहीं निशाना कहीं बाल आउट का इशारा रेफरी महोदय 3-4 सर्विस चेंज। मैं देख रहा हूँ बिल्कुल हमारे सीनियर कमांडेटर, मैं ये कह दूं कि मेरी जितनी उम्र होगी उससे ज्यादा कहीं इन्होंने निजामत यानी कि कमेंटेटरी कर दी होगी, इसलिए जितने अपने अल्फाज हैं सब इनके चरणों में डालते हुए मैं अपनी टूटी फूटी जबान से इस सजमीन पर इस टूर्नामेंट। अच्छी सर्विस, हल्का सा बाल पर चलाया मिस्टर अब्दुल रहमान, ओहो, बाल अभी भी फिजा में, राफे के लिए, लेकिन अब की बार राफे हल्का सा और 3-4 पर इसको रुका हुआ, बिल्कुल फंसाए, 3-4 से पॉइंट होने पर मजबूर की हम किसी से कम नहीं, अच्छी सर्विस हो सकती है लेकिन नाकाम, अब की बार सर्विस बट्टा में चेंज का हिसाब 4-3, ओहो, हम किसी से कम नहीं, इस वक्त हमारे हिंदुस्तान की रवायत है कि तुम शेर तो हम सवा शेर, हम किसी से कम नहीं। और लंबी बाल उछाली गई डिफेंसर के लिए, काउंटर के लिए बाल उछाली गई, उससे और जैसा कि मैं बता दूं, अभी हारिस भाई ने बताया कि मैं करहा मोहनाथ भंजन से चलकर आया हूं, लेकिन भाई टीम कैप्टन का ग्रेटा वर्सेस टीम कैप्टन बैरीडी ग्राउंड पर रिपोर्ट कर, उससे पहले अपने आने की इत्तला कमेटी टेबल तक पहुंचा दे, क्योंकि मैं दोस्त ये जयराजपुर अल्लामा शिबली नुमानी पीजी नेशनल कॉलेज जनपद आजमगढ़ किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। हारिस भाई ने बताया बिल्कुल आप लोग इस तरह की गलती ना करें, क्योंकि जब कोई आजमगढ़ की शान में गुस्ताखी करता है हारिस भाई, तो बिल्कुल मेरी जुबान तलवार की धार का काम करती है। वाह, जल्दबाजी करना चाहते थे रेस्टर अब्दुल रहमान, नेट ट्राई कर बैठे 5-3, 5-3 पॉइंट्स एडवांटेज, सब सर्विस अपने कब्जे में लेते हुए बिलरियागंज, और उससे पहले बाल अभी भी फिसा पे, छोटी बाल थी निकलना चाहते थे, लेकिन मिस्टर सादिक के नजरों के सामने बाल हुई डाउन और 6-3। इस वक्त मैं देख रहा हूं कि तमाशाइयों की निगाहें बिल्कुल, मैं दोस्त इस तरह की गलती ना करें कि जिंदगी के सफर में संभाल कर चलना,
वरना एक गलती तुमको जलाकर लॉक कर सकती है और इस टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है। और उससे पहले की टेक ब्लॉक वेस्टर अब्दुल रहमान, जहां से निकलने की कोशिश वहीं पर दबोच दिया। 4-6 सर्विस चेंज, 25 सर्विस, वाह। नेट पॉइंट एक और अंक से जोड़ते हुए इनके खाते में एक और पॉइंट, 5-6। पहले सेट को जीतने के बाद कोटिला इस वक्त एक अंक से पीछे, लेकिन मैच बिल्कुल फंसा हुआ इस टूर्नामेंट। उससे पहले अगर बिलरियागंज टीम कैप्टन अगर विजेता होती है तो जायका ढाबा के प्रोप्राइटर तैयब अहमद साहब की तरफ से 500 रुपए के इनाम से सम्मानित किया जाएगा। और स्कोर 6-6 पर रुका हुआ और बाल गई साइड लाइन से बाहर। 7-6 इस वक्त कोटिला बिल्कुल अपने रास्ता, बिल्कुल अपने मिशन की तरफ और सेकेंड और फर्स्ट टाइम आउट लेने में मजबूर इस वक्त दिखा दे रहे बिलरियागंज कोटिला के सामने। 7-6 पर सिमटती हुई बिलरियागंज सख्त दलदल में फंसी हुई। टीम कैप्टन बैरीडी वर्सेस टीम कैप्टन ककरेटा, इस मैच के बाद तुरंत आपका मैच खेला जा रहा खेला जाएगा। अगर मेरे माइक्रोफोन की आवाज आपके कानों तक जा रही है तो इस बात का ध्यान दे। बिसल की रेफरी की बिसल की अच्छी आवाज, ओहो, एक ने दूसरे को, दो नंबर ने किया काम तमाम और चंद पे रन किया। 6-7 सर्विस चेंज। वाकई में इस मैच के बाद जो मैच खेला जाएगा ये कह लिया जाए कि जयराजपुर का वो पहले राउंड का मैच नहीं खेला जाएगा। मैं चाहता हूं कि यहां से हमारे उस्ताद हमारे टीचर कमेंटेटर हारिस बिना परा माइक पर जो वॉलीबॉल के दीवाने उनसे गुजारिश एक बार तालियां बजा दें। इतना प्यारा मुकाबला हो रहा, आप लोग ऐसा खामोश बैठे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि वॉलीबॉल का ये ग्राउंड है, तो थोड़ा सा आप लोग तालियां बजा दें तो इस मुकाबले कहानी कुछ और रंग लाएगी। एक बार तालियां बजा दें आप लोग, मुकाबला यही से जुलून में आएगा, मुकाबला यही पर रवाने में आएगा। एक बार तालियां बजा दें, शुक्रिया। बहुत ही प्यारा मुकाबला होने की संभावना में समारा खूबसूरत प्रेस में नेट कॉन्टेक्ट 7-6 का स्कोर। ऐसा लगे कि वॉलीबॉल का ये प्रांगण है, आप लोग तो इस कदर खामोश बैठे हैं ऐसा लग रहा कि नरेगा के मजदूर बैठे हैं। तो तालियां बजाते रहे आप लोग। अपनी शॉट खूबसूरत अटैक बैठा में जोश में कर बैठा होश का सौदा, खुद लेकर लौटा सर मगर अपने ही किसी और का। ऐसी गलतियों पर नजर रखना होगा, ना चाहे तो वो गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ऐसे में सुधार करने की जरूरत। काउंटर अटैक एक बार फिर चंपा मार बैठे। 9-6 फासला बढ़ता हुआ तालमेल बिखरता हुआ बिलरियागंज के खिलाड़ियों का। आपसी तालमेल बैठाना होगा, अनुशासन बनाए रखना होगा, चूंकि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। सर्विस रन ककड़ाटा को 5 मिनट का समय दिया जा रहा है और बैरीडी कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में आकर टॉस वाले सवारा अबू राफिया और हिट पर तहार सर्विस चेंज कराने में कामयाब ना शेखर। स्कोर दोनों के लिए रास्ता दुश्वार है। दूसरा सेट बहुत ही प्यारा चलता हुआ, यह अलग बात है कि 3 पॉइंट के पीछे बैरीडी बहुत ही प्यारा हुआ। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, मासूम चेहरा, निगाहें फरेबी, खूबसूरत ड्रॉप 6-9। भाई मोहम्मद खालिद साहब हिंगारीपुर, ब्राय मेहरबानी आप कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, कुर्सियां आपको इंतजार कर रही हैं। 9-6 का स्कोर, सही पास नहीं और इस तरह से बाल छलकती हुई कोर्ट से बाहर। इसके बाद जो मुकाबला होगा बैरीडी वर्सेस ककराटा, एक एक पॉइंट एक एक सर्विस के लिए बड़ा ही खोखार मुकाबला होने वाला है। और फिर से सर्विस से परेशान करता हुआ अबू राफे रईस, नाउ सेकंड टाइम आउट इज टेकन बाई बिलरियागंज। दूसरा टाइम आउट लिया है और
आज शमीम मार्केट कोटला के खिलाड़ियों ने बिलरियागंज को खुशियों कहते हुए आगे बढ़ी है। इन्हीं पत्थरों पर चलकर अगर आ सको तो आओ, इन्हीं पत्थरों पर चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। मुकाबले की दास्तान कहानी आगे बढ़े कमेंट्री के लिए मिस्टर साकिब नौमानी बिंदबल। टीम कैप्टन ऑफ ककराटा एंड टीम कैप्टन ऑफ बैरीडी, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो बराए करम अपनी आने की इत्तला, अपने आए में आने की रिपोर्ट बराए करम कमेंट्री बॉक्स पर दें। टीम कैप्टन ऑफ ककराटा एंड टीम कैप्टन ऑफ बैरीडी, थोड़ा जबरदस्त मुकाबला यहाँ पे बिलरियागंज वर्सेस भाई। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि टीम कैप्टन ऑफ ककराटा एंड टीम कैप्टन ऑफ बैरीडी, बराए करम उनके कानों तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो लब्बैक है और कमेंट्री बॉक्स पर आकर रब्ता करें। 9.12 6 राफे रईस तो सर्विस, मैसिंग सर्विस अहमद कमाल के हाथों को बोसा देती हुई कोर्ट के बाहर जा गिरी और इसी तरह से एक और पॉइंट का इजाफा होता हुआ 9.13 6 भाई ककराटा टीम कैप्टन आपका ककराटा एंड टीम कैप्टन आप बैरीडी अपने लाओ लश्कर को, अपनी फौज को बराए करम 2-3 मिनट के अंदर ग्राउंड के करीब लाए। उनका मैच खेला जाने वाला बड़ा ही खूंखार मैच, बड़ा ही दर्दनाक जो अगला मैच खेला जाने वाला जबरदस्त, एक तरफ मिस्टर मास मिस्टर अजीशान और एक तरफ असद शरफुद्दीन और मोहम्मद अली जैसे बड़े बड़े प्लेयर और ये मिस्टर जैद बेलकाट। इसी के साथ एक और पॉइंट का इजाफा होता हुआ 9.14 8 कैप्टन रेडी बाई बिलरियागंज रॉफे राइट टू सर, आजमाया गया राइट हैंडर को और ए लवली शॉट, हाथों को चूमते ही कोर्ट के बाहर निकल गए। इसी तरह से सर्विस को अपने फेवर में करने में कामयाब रहे बिलरियागंज। तो मैं बराबर ये कहता हूं कि फौज की बगावत, हुक्मरानों की अदावत, अमीरों की रफाकत और दोस्तों की खयानत, सूफियों की शरारत और बीबियों की शरारत, हिंदुस्तान की सियासत और फिरका परस्तों की क़यादत, ये बड़ी खतरनाक होती है भाई। टीम कैप्टन बैरीडियन टीम कैप्टन ककराटा जल्द से जल्द 1-2 मिनट के अंदर रब्ता करें कमेंट्री बॉक्स पे आकर, बल्कि इनसे मेरी गुजारिश है कि वो आकर